हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि बहुत जल्दी कौन सी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है, कौन सी ख्वाहिश आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तो ठीक है, चलिए करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की कौन सी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। बेटर स्वीट एक्सपेंशन, फॉरगिवनेस, वैनिटी, रिन्यूअल, एम्पास, ओहो, वर्कहोलिक एंड डिस्पोंडेंस। बॉटम से है एनलाइटनमेंट, फेथ, ओके। यहां पर गाइस मुझे ये दिखाई दे रहा है, यहां पर गाइस ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो लगातार अपने पर्सन को यहां पर ऑफर कर रहे हैं अपना लव। बिटर स्वीट का कार्ड है, आप देखिए, ये आप अपने पर्सन को लगातार ऑफर कर रहे हैं प्यार, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ गाइस कि ये जो पर्सन है आपके, ठीक है, यही आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। एम्पैस यहाँ निकल कर आया जो दिखा रहे हैं कि आपके जो पर्सन है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी आपका लव, वही आपके पास आ रहे हैं। तो ये आपकी पहली इच्छा है जो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनके पर्सन आ रहे हैं। अगर आप लोग कमिटेड नहीं हो, आप अगर सिंगल हो, तो गाइस कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिंगल्स के लिए भी रीडिंग होती है। अगर आप लोग यहाँ पर कोई न्यू पर्सन चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी वो ख्वाहिश यहाँ पर मैं पूरी होते हुए देख रही हूँ। उसके अलावा गाइस, दूसरी एनर्जी जो निकल कर आई वो ये कि आपका सोल एक्सपेंशन हो रहा है। देखिए, डिवाइन आपके साथ हैं यहाँ पर, और आप हर दिन एक कुछ नया सीख रहे हो और ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में। मतलब अभी तक ऐसा था गाइस कि आप लोग चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, और आपको कैसे सॉल्व करना है आप समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि डिवाइन आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको लगातार एंजल नंबर शो हो रहे हैं, आपको चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है। सो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम खुद के ऊपर किया है, उन्होंने चीजों को समझा है, तो उनकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर सोल एक्सपेंशन भी हो रहा है और रिन्यूअल भी हो रहा है। अगर आप इस इंसान को देखेंगे तो ये इंसान बहुत खुश है अपनी लाइफ में, एक नया स्टार्ट इसकी लाइफ में आया है, और ये काफी पावरफुल है, ठीक है। इससे एनर्जीज क्रिएट हो रही है, काफी पॉजिटिव एनर्जीज को ये क्रिएट कर रहा है इस टाइम, ये कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर गाइज मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत खुशनुमा जिंदगी आपकी होने वाली है, ठीक है। तो ये भी आपकी विश जो यहाँ पर है वो पूरी होने वाली है, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर गाइज ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पर चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। सो आप लोग यहाँ पर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंबे टाइम से ग्रज को मन में रखे हुए थे, दुख को मन में रखे हुए थे, ठीक है, उस आग को मन में रखे हुए थे, भुला नहीं पा रहे थे। तो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, लोगों को माफ कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है, और अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। सो आप किसी से बदले की भावना नहीं रख रहे हो, आप किसी के लिए यहाँ पर कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, कुछ अपने मन से चीजों को यू नो निकाल नहीं रहे हो, आपने बस ऐसा सोच लिया कि ठीक है, जिसने जो किया उसको उसका फल मिलेगा, मुझे क्या करना है, मैं लोगों को माफ करके आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। और ये भी देख रही हूँ गाइस कि आप लोग माफ करके अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, काफी वर्कहोलिक हो रहे हो आने वाले समय में, ठीक है। तो जब आप वर्कहोलिक हो रहे हो यहाँ पर गाइस, तो डेफिनेटली आप लोग जो भी काम करोगे
जिस भी चीज में आप एफर्ट्स लगाओगे वो चीजें यहाँ पूरी होंगी, हार्डवर्क करते हुए भी मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप इतना ग्रो कर पा रहे हो अपनी लाइफ में कि आपने लोगों को माफ करना सीख लिया है, तो आप दुनिया की वो ताकत बन गए हो आप जिसको कोई भी सलाम करेगा, ठीक है, क्योंकि माफ हर कोई नहीं कर सकता। वैनिटी का कार्ड है गाइस, तो अगर अभी तक आप लोग काफी लोगों से कटे कटे थे या आप दुनिया से अलग जी रहे थे, ठीक है, आप सोशल नहीं हो रहे थे, तो गाइज यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आने वाले समय में आप खुलोगे, ठीक है, आप अपनी लाइफ में काफी अच्छा जीने वाले हो, काफी खुल के जीने वाले हो, आपको कोई जरूरत नहीं अपने आप को बांधने की या फिर एक एक अंदर से मतलब तोड़कर अपने आप को जीने की या घुटकर जीने की, ठीक है, आप बहुत खुलकर जीने वाले हो। डिस्पोंडेंस दिखा रहे गाइस कि काफी सारे लोग यहाँ पर अभी भी बहुत बहुत तकलीफ में है, चीजें उनके सामने होते हुए भी वो देखना नहीं चाहते या फिर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, तो वो काफी अभी भी अपने दिमाग में बहुत सारी चीजों को सोच के परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको जरूरत नहीं है गाइस परेशान होने की, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो समय के साथ ही सही होंगी। जस्ट आपको इतना करना है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखें, थोड़ा सा मोटिवेटेड रखें, तो सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। एनलाइटनमेंट दिखा रहे हैं गाइस कि आप लोगों का एनलाइटनमेंट हो रहा है, ठीक है। एनलाइटनमेंट अगर आपका हुआ है तभी आप लोगों को माफ कर सकते हो, क्योंकि माफ करना इजी नहीं होता है, जो गलत करते हैं उनको माफ करना इजी बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो डिवाइन को मैं आपके साथ देख रही हूँ, डिवाइन आपको यहाँ पर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये गाइस यहां से निकल कर आया है, और कौन सी विश आपकी पूरी हुई है यहां से, तो ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, काफी काम आपकी जिंदगी में आ रहा है, अब आप बहुत काम भी करेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे, एक्सपेंशन हो रहा है आपका। ये देखिए एक्शन, सो यहां पर गाइस आपकी लाइफ में एक्शन होने वाला है बहुत जल्दी। यिन एंड यांग, ये तो ये दिखा रहा है गाइस कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। वर्ल्ड काफी अच्छी एनर्जीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट ओके, हैप्पी फैमिली, वाओ वाओ, स्ट्रैटेजी, हीलर ऑफ द एजेस एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, अब क्या ही चाहिए। और यहां से वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ, यहां से कम्युनिटी, ओके, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। चलिए इन दोनों कार्ड्स को भी लेते हैं। ये कार्ड्स गाइस क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो पर्सन अभी तक, ठीक है, आप जिनसे प्यार करते हो, जो अपना दिल आपके लिए लेकर बैठे हैं और जिनके लिए आप अपना दिल लेकर बैठे हो बहुत लंबे टाइम से, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन बिगड़ा हुआ था, वो कनेक्शन मैं यहाँ पर बनते हुए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है, ठीक है, और यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है, और यहाँ पर अ मैन होल्डिंग का हार्ट है। तो ये यहाँ पर ये दिखा रहा है गाइस कि कोई इंसान है जो आपसे काफी ज्यादा प्यार करता है ऑलरेडी, ठीक है, जो आपके लिए अपना दिल लेकर बैठा हुआ है, ठीक है, जिसके साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट भी है, ठीक है, जिसके साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आप इनकी लाइफ में और ये आपकी लाइफ में किसी मकसद से आए हैं, ठीक है, ये यूं ही आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, ये और आप इनकी लाइफ में यूं ही नहीं आए हो। एक लाइन आपने सुनी होगी कि हम जिंदगी में उसी इंसान के साथ उसी इंसान को मिलते हैं जिससे हमारा कुछ ना कुछ लेना देना होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, और मिलते हैं डिवाइन की मर्जी से, ठीक है। तो आप इनसे यूं ही नहीं मिले थे, इनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, और यहाँ पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। तो वो इंसान जो अभी तक आपकी लाइफ में एक्शन नहीं ले रहा था, ठीक है, और आप उसकी तरह उसकी वजह से स्टक थे अपनी लाइफ में, तकलीफ में थे, तो मैं ये देख रही हूँ गाइस के उस इंसान वो इंसान आपके लिए यहाँ पर एक्शन ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी है, ये भी ट्विन फ्लेम को दिखाता है, ठीक है, देखिए ब्लैक और व्हाइट है यहाँ पर, ये भी ट्विन फ्लेम को दिखाता है। यहाँ हैप्पी फैमिली का कार्ड है, बहुत सारे लोग की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो रही है कि उनका जो कनेक्शन है, लव कनेक्शन है, वो ठीक हो रहा है यहाँ पर,
वो जिसके साथ भी डील कर रहे हैं उसका साथ उनका रीयूनियन हो रहा है, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए यहाँ पर प्लानिंग की है, पूरी तरीके से स्ट्रेटेजी का कार्ड है। डिवाइन ने ही यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाई है कि आपको कब मिलना है और कैसे मिलना है, ठीक है। तो जब डिवाइन आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहली ख्वाहिश तो मैं यही देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है इनके साथ आपकी हैप्पी फैमिली में देख रही हूँ, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, आप जिसको भी चाह रहे हो अपने कनेक्ट, जिसको भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो वो आ रहे हैं। उसके अलावा हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड ये दिखा रहा है कि प्रॉपर हीलिंग आपकी हो रही है, क्योंकि ये तो मुझे भी लगता है गाइस कि आप लोग पूरी तरीके से अभी हील नहीं हो, ठीक है। जिस तरह से आप लोग कमेंट्स करते हो, कुछ लोग तो काफी गुस्से में रहते हैं, ठीक है, तो आप हील नहीं हो, क्योंकि अगर आपको इस तरीके से गुस्सा आ रहा है तो अभी आप ये शो कर रहे हो लाइफ में कि चीजें मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं डिवाइन के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग होती है जिस एनर्जीज में आप होते हो, ठीक है। तो यहां पर मैं देख रही हूं कि आप लोगों को हीलिंग की काफी ज्यादा नीड है, तो आप अपनी हीलिंग पर फोकस करें और हीलिंग आपको मिलेगी भी। ये भी आपको है कि पूरी प्रॉपर हीलिंग आपकी हो रही है यहाँ पे, ये भी आने वाले समय में दिखाई देता है। कम्युनिटी का कार्ड दिखा रहे हैं गाइस कि अगर अभी तक आप लोग अपनी लाइफ में बंधे हुए थे या अकेले रह रहे थे या आपने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, बाहर नहीं निकल रहे थे, तो मैं देख रही हूँ काफी इंजॉय कर रहे हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और ये भी देख रही हूँ कि काफी सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने जो भी काम किया है, जो भी चीजें आपने अचीव की हैं अपनी लाइफ में, उसमें लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में मुझे फेमस होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, लोगों के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो आने वाले समय में, ठीक है। यहाँ पर गाइज वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का भी कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप लोग काफी काम करने वाले हो आने वाले समय में, जैसे वर्कहोलिक का कार्ड निकल कर आया था, तो अगर अभी तक आप बहुत फ्री जिंदगी जी रहे थे, ठीक है, आपके पास काम नहीं था और आप लोग बहुत फ्री थे अभी तक अपनी लाइफ में, तो काफी काम आपकी जिंदगी में आने वाला है, ठीक है। काफी काम आपके ऊपर, वर्कलोड काफी ज्यादा होगा, हार्डवर्क आप करेंगे, ठीक है, और अपनी लाइफ को बहुत बेस्ट आप बनाने वाले हैं, ठीक है। तो काम है जिंदगी में, प्यार है जिंदगी में, परिवार है जिंदगी में, हीलिंग है जिंदगी में, और क्या ही चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट देख रही हूँ गाइस कि काफी सारे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उस सोल कॉन्ट्रैक्ट पर वो आगे बढ़ रहे हैं और काफी हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वही सोल कॉन्ट्रैक्ट उनको उनकी कम्युनिटी में भी फेमस कराएगा, लोगों के बीच में भी फेमस कराएगा, और वो काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है गाइस कि आप लोग दुनिया की रियलिटी को यहाँ पर समझ रहे हो, ठीक है। अभी तक आप एक इल्यूजन में जी रहे थे, एक भ्रम में जी रहे थे, आपको लग रहा था कि बस ऐसी चीजें होती हैं और बस सब ठीक हो जाता है एंड में, लेकिन जो रियलिटी होती है, जो आपकी सोच के परे चीजें होती हैं, वो यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। वर्ल्ड जो मतलब दुनिया का असली, दुनिया असली में कैसी है, क्या चीजें हैं, किस तरीके से चीजें हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में देखोगे, ये इस जर्नी में आप सीखने वाले हो, ये कार्ड से मुझे यही दिखाई दे रहा है। टैरो से देखते हैं और आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है। अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे गाइस अबंडेंस दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, ये उछला हुआ है जजमेंट, सेवन ऑफ सोर्ड्स, डेविल, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से है एम्प्रेस एंड पेज ऑफ वैंड्स, ओके। यहां पर गाइज ये निकल कर आया है कि आपकी लाइफ में किसी तरीके का जजमेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप लोगों को शिकायत थी कि आपकी लाइफ में चीजें खराब हो गई हैं और आपको ठीक नहीं हो रहा है, डिवाइन सुन नहीं रहे हैं, वो कुछ भी आपको आउटकम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ तकलीफ दे रहे हैं, तो मैं यहां पर ये देख रही हूं कि बहुत सारे लोगों का यहां पर जजमेंट हो रहा है। और करियर में देख रही हूँ कि काफी अच्छा आप लोग कर रहे हो, ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग है आपके पास, ठीक है, और आप लोगों को ये जो ब्लेसिंग है वो आपको काफी ज्यादा रिच बनाने वाली है आने वाले समय में, ठीक है, इससे आप काफी रिच बनने वाले हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ठीक है, जो एक मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है कि कुछ नेगेटिविटी जो है वो आपके साथ है अभी फिलहाल में। मैं ये देख रही हूँ कि डेविल का कार्ड निकल कर आया है,
कि कुछ नेगेटिविटी आपके कनेक्शन में, ठीक है, और आपकी लाइफ में, मतलब आप अपनी लव लाइफ में भी ले सकते हैं, आप अपने करियर में भी ले सकते हैं, ओवरऑल आप अपनी लाइफ में इस चीज को लीजिए, ठीक है। कि मैं ये देख रही हूँ गाइस कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिविटी है, डेविल यहाँ प्रेजेंट है, यानी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, तो हमेशा ही आपको लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, ठीक है। मतलब ऐसा है गाइस कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर अगर हैं, ठीक है, तो इस तरीके के लोग, इस तरीके के जो चीटर्स होते हैं, इनसे अगर आपका सामना होता है तो इनसे कैसे, इनसे डील की जाती है, ये आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बहुत हायर वाइब्रेशंस में होंगे तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, आपसे अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ आपको बाउंड्रीज को सेट कैसे करना है, ये पहला लेसन जो है आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे ही नहीं किसी को अपनी लाइफ में भी एंट्री देते चले जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मतलब चीजों की परख, लोगों की परख आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेविल निकल कर आया है, तो ये आपकी खुद की भी नेगेटिविटी हो सकती है, खुद की भी सोच हो सकती है, ठीक है। कुछ लोग भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, ये वो लोग भी हो सकते हैं जो आपसे जेलस रहते हैं, जो नहीं चाहते आप अपनी लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बने, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस लेकर आए, आप अपनी लाइफ में अच्छी जिंदगी जिए, ठीक है, आपका आपके सोलमेट के साथ कनेक्शन बने। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिविटी है जो साथ साथ में चलती है आपके, ठीक है। तो आपको हमेशा ही इस नेगेटिविटी को दूर रखना है, और इसको आप कैसे दूर रखेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलकर, हमेशा अपने आप में पॉजिटिव रहकर, पॉजिटिव सोचकर, ठीक है, अपनी सोच में भी नेगेटिव ना लेकर आइएगा किसी भी चीज में, ठीक है। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि आपके पास्ट लाइफ से कोई पर्सन है जो आपको यहाँ पर आने वाले समय में ऑफर करेगा, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो आने वाले समय में आपको प्यार ऑफर करेगा, ठीक है। ये तीनों डेक से निकल कर आई है एनर्जी गाइस, पहले डेक से भी था कि आपके पर्सन रिटर्न आ रहे हैं, दूसरे डेक से भी था कि कोई पर्सन रिटर्न आ रहे हैं, तीसरे डेक से भी है कि जो इंसान आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो जो आपका सोलमेट है, जिससे आपका पास्ट में कनेक्शन रह चुका है, काफी अच्छा कनेक्शन रह चुका है, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये यहां से भी निकल कर आए तीसरे डेक से, ठीक है ना गाइस। और यहां पर गाइस ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के साथ सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जैसा मैंने कहा ये डेविल, तो कुछ लोग हैं अभी भी आपकी लाइफ में ऐसे जो आपका अच्छा नहीं चाहते, जो आपको चीट कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, ऐसे लोगों को पहचानें और अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दें, ऐसे बेवकूफों की भीड़ अपनी लाइफ में इकट्ठी ना करें, ठीक है। दो चार लोग हों तो भी चलेगा, लेकिन 10 लोग हों और फ्रॉड हों, चीटर्स हों, इनकी भीड़ मत रखिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इन लोगों से थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग भी लाइफ का हिस्सा बनते हैं और लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं, तो इन लोगों को समझिए और लाइफ से हटा दीजिए, ठीक है। और आप जिस भी चीज में गाइज अभी तक स्टक थे, ठीक है, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में आप इन एनर्जीज से बाहर जा रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो अपनी लाइफ में, इमेच्योरिटी से बाहर जा रहे हो और एक एम्प्रेस बन रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, एक एम्प्रेस बन रहे हो। मतलब ये जो ऑफर है ना गाइस, ये डिवाइन जो ऑफर आपको करने वाले हैं, वो आपको इतना हेल्प कर देगा कि आप सीधा एम्प्रेस पे जाकर रुकोगे, ठीक है। अपनी लाइफ में आप इतना ग्रो कर जाओगे, ये जो डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी कि आप इतना ग्रो कर जाओगे कि आप अपनी लाइफ में सीधा सीधा एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे, ठीक है। ये भी एक डिवाइन ब्लेसिंग ही है गाइस, और बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, ठीक है। ये यहां से निकल कर आया है, और जितनी भी अभी तक आपकी मेच्योरिटी थी वो सारी खत्म हो जाएगी। एक मेच्योर पर्सन के रूप में आने वाले समय में आपको देख रही हूं मैं, ठीक है, एक काफी अबंडेंट पर्सन के रूप में देख रही हूं, काफी रिच, काफी पैसा जिसके पास हो, एक अच्छा खासा जजमेंट आपकी लाइफ में, जहां जहां भी चीटिंग हुई है वहां वहां लोग खुद आके आपसे माफी मांगेंगे, आपको ऑफर करेंगे चीजें, बस अगर सतर्क रहना है तो ये डेविल लोगों से, ठीक है, इनसे सतर्क रहिए, क्योंकि ये किसी भी टाइम बैकस्टेप कर देंगे, किसी टाइम धोखा दे देंगे और लाइफ को, आपकी लाइफ को कहां से कहां पहुंचा देंगे आप ही को नहीं पता। एक कार्ड यहां से लेते हैं, लेटिंग गो। तो गाइज यहां पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको लेट गो करने की जरूरत है। अब आप फिलहाल देखिए कि आप कौन सी चीजों को लेट गो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको लेट गो करने की जरूरत है। उन चीजों को जाने दीजिए जो इस वक्त आपको सर्व नहीं कर रही, उनको छोड़िए, पकड़ के मत रखिए, लेट गो कर दीजिए, कुछ समय के लिए लेट गो कर दीजिए। अगर आपके लिए बनी होंगी तो आपके पास रिटर्न आएंगी, ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है। जो चीज आपके लिए बनी होगी वो डेफिनेटली आपके पास रिटर्न आएगी, कुछ समय के लिए उसको लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसे, उसको पकड़ के मत रखिए, वरना अपना नुकसान करेंगे, ठीक है। अपने आप को नेगेटिव नहीं बनाना है,
गाइज ये है आपकी रीडिंग. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू गाइज.